दोस्तों नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 7 कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे जो आम तौर पर लोग करते हैं। दोस्तों नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और निवेश करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, देखकर सोच समझकर निवेश करें। दोस्तों पहला पॉइंट है एक्सपेक्टिंग टू मच रिटर्न्स, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन एक लिमिट से ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा रिटर्न या ब्याज की उम्मीद लगा करके निवेश करना, ये गलती आमतौर पर लोग करते हैं। किसी के बहकावे में आकर अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लेते हैं और फिर वहाँ निवेश करते हैं, यानी कि ज़्यादा रिटर्न के लालच में कई बार लोग फंसते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंक आपको 8% का ब्याज देता है आमतौर पर FD में। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है NBFC, जहाँ लगभग 11-12% का ब्याज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो किसी के मन में भी ये लालच आता है कि चलो हम NBFC में FD कर देते हैं जहाँ हमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों आपको याद होगा सहारा, रोज वैली, शारदा चिट फंड, रेमल, इन सब में जनता ने अपने कितने पैसे डुबाए हैं। इन सभी कंपनियों में पैसा डूबने के पीछे सिर्फ एकमात्र कारण था लालच, ज़्यादा रिटर्न का। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट क्लियर होगा कि आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन को ना बढ़ाएं। एक दायरे में अगर ब्याज मिल रहा है तो वो ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, नॉट हैविंग क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल। ध्यान से समझिएगा, अगर गोल ही नहीं है तो आप निवेश जो करेंगे वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपके लिए गोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लक्ष्य। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट गोल होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए निवेश करते हैं, कई लोगों को गाड़ी चाहिए, कई लोगों को घर खरीदना है, तो ये क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट गोल है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट गोल है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हायर एजुकेशन के लिए आपके पास जो समय है वो 10 साल का है और 10 साल के बाद आपको पैसे चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको 20 साल का इंश्योरेंस प्लान दे करके चला जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि 10 साल के बाद आप पैसा निकाल लीजिए, ठीक है। आप उनकी बातों पर भरोसा कर करके निवेश कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप 20 साल का प्लान लेकर के उसे 10 साल में एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करने पे आपको एक तरीके का पेनल्टी देना होगा, चाहे वो सरेंडर के रूप में दें, सरेंडर चार्जेस के रूप में दें या जैसे भी दें, बट आपको देना पड़ता है। तो यहाँ इस तरह आपकी जब गोल प्लानिंग गलत हुई तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट गोल के बारे में नहीं जानते हैं और सीधा सीधा वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट है नो डाइवर्सिफिकेशन। अब नो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? एक ये इन्वेस्टमेंट हुआ कि आपका पूरा पैसा या तो लाइफ इंश्योरेंस में लग जाए, या फिर FD में आपने लगाया हो, या फिर RD में आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इसको कहते हैं नो डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही प्लान में अपना सारा पैसा लगा दिया। अब एक दूसरा पोर्टफोलियो ऐसा है, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी है, PPF भी है, ETF भी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है, तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। यानी कि यहाँ इक्विटी का भी एक्सपोजर है, गोल्ड का भी एक्सपोजर है, ठीक है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट PPF के तौर पे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि लिया हुआ है। अब ऐसे में एक आप लाइफ इंश्योरेंस भी रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल होनी चाहिए। कई लोगों के पास मैंने देखा है कि 10-10, 15-15 लाख रुपए साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आपको।
दोस्तों चौथा है फोकसिंग ऑन रॉन्ग काइंड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि आपको किसी स्कीम में 40% का रिटर्न मिला है, आपने किसी फ्रेंड को बताया कि हाँ मुझे 40% का रिटर्न मिला है, निवेश कर दो। आपके फ्रेंड ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे निवेश कर दिया, तो क्या हर साल 40% मिलेगा? नहीं। कोविड के बाद मार्केट ने 112% का रिटर्न दिया था नेक्स्ट ईयर, तो क्या ये हर साल मिलेगा? नहीं। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है, जबकि होता नहीं है। यानी कि किसी भी स्कीम के परफॉर्मेंस को अगर आप एवरेज आउट करके नहीं देखेंगे, डिटेल में उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो पेनफुल हो सकता है। यानी कि जब मार्केट नीचे आए तो आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये सिर्फ इक्विटी का मैंने एग्जांपल दिया है। इसके बाद है नॉट नोइंग द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जो भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो कितना सही है। एग्जांपल से समझिए, यूलिप में आपको जो परफॉर्मेंस दिखता है, मान लीजिए कि यूलिप में 45% का आपको रिटर्न दिखता है, तो 45% क्या ये सही में है या नहीं? यूलिप में चार्जेस डिडक्ट होते हैं, तो जो चार्जेस होते हैं वो अलग से डिडक्ट किया जाता है। मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि मंथली बेसिस पे, कई चार्जेस एनुअल बेसिस पे डिडक्ट किए जाते हैं, और ये चार्जेस रिटर्न में इंक्लूड नहीं किए जाते। रिटर्न अलग होता है, चार्जेस अलग होता है। तो यूलिप का अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो स्टेटमेंट मंगाइए और इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। नो कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? कोई वैसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिस पे आपका कंट्रोल ही ना हो, और करें तो सोच समझ के करें। अब इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस के प्लान। इसमें आपका एग्जिट विंडो नहीं होता है, किसी भी प्लान में आप एग्जिट आसानी से नहीं कर सकते, तो एग्जिट विंडो आपका नहीं है। पीपीएफ दूसरा एग्जांपल है, 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट ख़राब हैं, ये दोनों इन्वेस्टमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार से ही इनके पास जाना है। यदि आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आप मान कर चलें कि उस पैसे की ज़रूरत आपको 15 साल नहीं होगी, तभी आप पीपीएफ में जाएं। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये मान के चलें कि जब तक पॉलिसी का पीरियड ख़त्म नहीं होगा तब तक आप बीच में पॉलिसी बंद नहीं करेंगे और पॉलिसी के पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में आप जाने का मतलब, पहला मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, तभी लाइफ इंश्योरेंस प्लान लीजिए। 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए लाइफ इंश्योरेंस में, ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होते हैं। मेरे पास भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, बट मेरे पास सिर्फ टर्म प्लान है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गलत प्रोडक्ट गलत समय पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों सातवां पॉइंट जो है वो है कि बहुत ज़्यादा कमीशन आप अपने प्रोडक्ट पे तो नहीं दे रहे हैं या फी नहीं दे रहे हैं, ये अगर जाएगा तो आप ही के पैसे से जाना है। तो पेइंग टू मच कमीशन और फी, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन्वेस्टमेंट करते समय, इसका आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे 30 से 40% फर्स्ट ईयर कमीशन है, आमतौर पे इंश्योरेंस में ये होता है, ये फर्स्ट ईयर का कमीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर 5% भी कमीशन जाता है तो ये आपके पॉकेट से ही जाना होता है। तो जहाँ कमीशन ज़्यादा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट किस लिए आप कर रहे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट आपको रखना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट में। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप टर्म प्लान लेंगे तो भी कमीशन तो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, टर्म प्लान के बाद आप अपना पैसा कहीं और लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये थे 7 कॉमन मिस्टेक जो आमतौर पे लोग करते हैं निवेश करने से पहले। यदि आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे समझ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और गलती नहीं करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।